सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सदर में गाली देने से रोकने पर हमला, बढ़ी ठंड स्वास्थ्य पर परिणाम, बैंकों में लटके रहे ताले। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गाली देने से मना करने पर एक युवक को लाठी से पीटकर जख्मी कर दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नई बस्ती मंगलवारी निवासी मयूर टोटलवार बुधवार की दोपहर छावनी के पूनम चेंबर के पास अपनी एक्टिवा लेकर खड़ा था। उसी वक्त राजेश रामकृष्ण मंथापुरवार मयूर की ओर घूर कर देखते हुए गाली देने लगा। इस पर मयूर ने राजेश को गाली देने से मना किया। इससे आग बबूला होकर राजेश ने लाठी से मयूर की पिटाई कर दी, उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सदर पुलिस ने हमले का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अगली खबर। रात में ठंड तथा दिन में पड़ रहा हल्का गर्म, कुछ दिनों से बदली वातावरण सहित ठंडी भी अपना खासा रंग दिखा रही है, जिसका परिणाम छोटे बच्चों सहित बुजुर्ग वृद्धों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। चिकित्सक भी इस बात का संकेत दे रहे हैं। ठंडी यह स्वास्थ्य के लिए हितकारी जरूर है, परंतु बदली मौसम से बदन दर्द, सर्दी, कफ, बुखार की तकलीफें जरूर बढ़ जाती है, जिसके चलते इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान देने की खासी जरूरत है। ठंडी में मुख्य रूप से बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, त्वचा की समस्या अधिक बढ़ जाती है। हमेशा दर्द देने वाला शरीर का भाग ठंडी में अत्यधिक तकलीफ दे साबित होता है। ऐसी अनेक बीमारियां ठंडी में जन्म लेती हैं। उक्त बीमारियों को टालने के लिए उद्देश्य से गर्म कपड़े सहित कुछ उपायों को करना बेहद जरूरी समझा जाता है। वर्तमान में ठंड के बढ़ने से लोग इससे बचाव के उपाय में जुट गए हैं। संध्या होते ही बच्चे व बुजुर्ग गर्म कपड़ों में नजर आते हैं। अगली खबर। UFB के बैनर तले बैंकों के सभी 9 यूनियनों ने 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। पहले दिन गुरुवार को विदर्भ भर में हड़ताल को अच्छा रिस्पांस मिला। 350 शाखाओं में कोई भी कामकाज नहीं हुआ है। लगभग 13,000 कर्मचारी अधिकारी काम पर नहीं गए। बैंक बंद रहने से एक दिन में ही लगभग 2800 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। नागपुर में भी अधिकांश सरकारी बैंकों की शाखाओं में दिन भर ताला लटका रहा। NDA सरकार की 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग विधेयक और नीतियों में संशोधन की पहल पर कर्मचारी अपना विरोध दर्शाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। MNS News।